तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है टीवीएस की रेडी ऑन BS6 FI और ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है। जब हम गियर में डाल देते हैं बाइक को तो बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो अभी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है बाइक, न्यूट्रल में स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाती है। ये देखो मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाती है, अभी न्यूट्रल है तो बाइक स्टार्ट हो जा रही है। अभी बाइक को बंद करते हैं और वापस से हम ऑन करते हैं और अब डालते हैं इस बाइक को गियर में। यहाँ से हम गियर में डालते हैं, ये देखो गियर में डाला और अब यहाँ पे गियर में चलेगी। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पे हमको क्लच दबाना पड़ेगा। तो चलो हम पहले क्लच दबा लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो क्लच हमने दबा दिया है, ये देखो बंद, और अब हम बटन दबाते हैं। ये देखो स्टार्ट नहीं होगी, ये देखो बटन दबाया स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्लच हमारा बांधा हुआ है। ये देखो कपड़े से हमने बांध दिया है और हमारी जो बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए बट हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखो गियर में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, तो इसी को आज करेंगे हम सही। तो सही कैसे करना वो आप लोगों को बताएंगे। ये देखो हमने बांधा हुआ है यहाँ पे कपड़े से क्लच को और बाइक गियर में है और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। तो चलो इसको आप सही करते हैं, कैसे करना वो आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से सबसे पहले कपड़ा खोलते हैं, इसे कपड़ा निकालते हैं और क्लच इसका रिलीज करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्विच होती है क्लच वाली, यहाँ पे ये लगी होती है। ये देखो ये स्विच लगी होती है, इसमें दो स्क्रू, दोनों स्क्रू खोल के इसकी स्विच को निकालते हैं बाहर। तो ये है हमारी क्लच स्विच जो हमने खोल दिया, इसी से गियर में बाइक स्टार्ट होती है, यही काम करती है। जब गियर में होती है बाइक का क्लच दबाते हैं स्टार्ट करते हैं वो इसी से होता है। तो अभी इसका जो स्विच है वो क्लीन कैसे करना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्विच है और इसको क्या करेंगे, पतला सा पेचकस लेंगे और यहाँ पे लॉक होते हैं दो, तो इसको इस तरीके से खींच के निकाल देंगे। ये देखो ये प्लास्टिक निकल गई, इसको अलग कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है वो इसी में है। इसी में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस जगह पे प्रॉब्लम है। इसको पहले अलग कर लेते हैं, खोल के निकालते हैं। ये देखो ये इतना पार्ट्स हमारा निकल गया और इसको अब हम रख देते हैं साइड में। साइड में इसको रखना है क्योंकि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इसमें कोई कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई पट्टी वगैरह नहीं है। इसको कपड़े से क्लीन कर लेना है और उसके बाद जो इसमें कमी है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस जगह पे कमी है और क्या नहीं हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ये जो स्विच है इसमें एक पट्टी आप लोगों को नजर आएगी, वो पट्टी को क्या करना, कपड़े से क्लीन कर लेना, ये वाली पट्टी को। ये देखो यही हमारी दबती है, जब हम क्लच दबाते हैं ये इस तरीके से दबती है, तो इसी को आप लोगों को कर लेना है क्लीन। तो ये देखो हमने इसकी पट्टी को पूरी कंप्लीट क्लीन कर ली है, ये देखो क्लीन हो गई। इसको इस तरीके से काम करता है ये। तो इसी से हमारी जो है गियर में स्टार्ट होती है बाइक, यही स्विच है। तो इसको कपड़े से कायजे से कर लेना है क्लीन, क्योंकि इसमें जो मट्टी और जंग वगैरह लग जाता है जब भी हमारी बाइक जो गियर में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम इसको यहाँ पे कर देते हैं फिटिंग और उसके बाद आप लोगों को यहीं से बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद बाइक स्टार्ट करके गियर में ही दिखाते हैं इसको। ये इस तरीके से काम करता है, ये देखो क्लच दबाते हैं तो ऐसे जाता है और क्लच छोड़ते हैं तो इस तरीके से आता है, ये अंदर इस तरीके से अंदर बाहर होता है। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखो हमारी बाइक स्टार्ट होने लगी है, तो हम इसको वापस से इस तरीके से कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। ये देखो अब नहीं होगी, तो अभी इसको हम फिटिंग करते हैं, इसको हम फिटिंग करते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट से निकाला था वो भी लगाते हैं और उसको भी पैक करते हैं। उसके बाद जो है हम इसका क्लच जो स्विच हमने खोला है उसको फिटिंग करते हैं बाइक में, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके। तो इसको फिटिंग कर लेते हैं। चलो अब इस तरीके से फिटिंग करना है, इसको खाँचा रहता है, खाँचे में मिला के बैठाना है तो आप लोगों का फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये देखो ये जो खाँचे है, खाँचे में बैठा के इसको दबा देना है, इस तरीके से दबा देना तो ये बैठ जाएगा और हमारा स्विच जो होता है कंप्लीट। ये देखो हमने फिटिंग कर दिया सारा कुछ, अब जो हम यहाँ पे बाइक में जहाँ से हमने खोला था इसको वहाँ पे कर देते हैं फिटिंग, और फिटिंग करने के बाद जो इसके दो स्क्रू वो लगा के इसको करते हैं टाइट और उसके बाद आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो हमारा स्विच फिटिंग हो चुका है, अब हम बाइक को गियर में डालते हैं और आप लोगों को स्टार्ट करके बाइक को दिखाते हैं। तो इसका क्लच हमने दबा लिया, ये देखो क्लच दबा लिया है और अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये देखो स्टार्ट होने लगी है बाइक, बाइक को वापस से बंद करते हैं, गियर में है बाइक, एक बार वापस से आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखो स्टार्ट होने लगी बाइक गियर में और स्टार्ट होने लगी है। अब जो है हम बाइक को न्यूट्रल करते हैं, ये देखो न्यूट्रल किया हमने, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट आप लोगों को नजर आ गई। ये देखो अब हम इसको वापस से गियर में डाल देते हैं, ये देखो गियर में डाला और अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्लच दबाया हुआ और स्टार्ट होने लगी है बाइक।
तो अभी जो प्रॉब्लम थी वो थी क्लच स्विच से। तो क्लच स्विच को आप लोगों को क्लीन कर लेना, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट।